If you look at your career, the way it's like going, आपने पहले slow steps लिए, लेकिन आपने जो भी किया है, बहुत ही proper detailing के साथ, proper शिद्दत के साथ किया. अगर voiceovers में भी आपने जब किया, इसके पहले India में कभी voiceover artist को या dubbing artist को उस craze से देखा नहीं जाता. But you have become a star voiceover artist. आपके नाम पे अब फिल्में बिक रही है. People are writing your name. ये लेवल को आपने शायद तमाम लोगों को ट्रिब्यूट दिया है, ड्यू दिया है. मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि इट्स स्टिल वेरी अंडरपेड, अंडर क्रेडिटेड इंडस्ट्री. आई थिंक डबिंग बहुत बढ़िया बढ़िया आवाज़ें हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया डबिंग एक्टर हैं उनको. लेकिन वही है कि हमारे यहाँ एक कल्चर ऐसा है कि उसको बहुत तवज्जो नहीं मिलती है वॉइसिंग को, जबकि एक्टिंग से कम नहीं मुझे लगता है. जितनी मेहनत एक्टिंग में लगती है, उतनी आई थिंक मेहनत डबिंग में भी लगती है. और मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो अपनी अपनी फिल्मों की डबिंग करवाते हैं, या कभी किसी और लैंग्वेज से हिंदी में डब करवाते हैं, हिंदी से किसी और लैंग्वेज में डब करवाते हैं, हॉलीवुड से करवाते हैं, आप थोड़ा गौर करें कि आपकी एक हॉलीवुड की फिल्म कितना बिजनेस करती है, इतना प्रॉफिट कमाती है. उसका कुछ हिस्सा अगर उन डबिंग आर्टिस्ट को चला जाएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा मेरे ख्याल से. थोड़ा उस बारे में इंसानियत के तौर पर सोच के देखें तो आई थिंक ये इंडस्ट्री भी बहुत फ्लरिश करेगी.